दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो दोस्तों कैसे हैं आप, मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इन्फिनिक्स ने आज इन्फिनिक्स नोट 7 लॉन्च कर दिया सितंबर में, जो कि उन्हें मेरे हिसाब से मार्च और अप्रैल में लॉन्च कर देना चाहिए था, क्योंकि बाकी जगह पे आ गया तो 6 महीने ऑलमोस्ट लेट हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब इसका सबसे बड़ा असर क्या पड़ा है पता है, कि वो जो स्पेसिफिकेशन थे ना, वो स्पेसिफिकेशन आपको उससे कहीं अच्छी प्राइस में मिल जा रहे हैं। फिलहाल आप इसको कह सकते हो कि ये Realme Narzo 10 का छोटा वर्जन है बस, और कुछ ज्यादा खास नहीं है। बहुत सारी चीजें हाइप करके दिखाई गई हैं, लेकिन मेरे हिसाब से स्मार्टफोन ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, थोड़ा सा ओवर प्राइस दी है आज के मामले में अगर देखोगे तो। चलते से वीडियो की तरफ, देखते हैं कौन से प्रॉब्लम्स इससे मिलते हैं आपको एंड कौन से प्रोज भी हैं, वो सारी चीजें भी थोड़ी थोड़ी बता दूंगा। फिलहाल मेरा काम है आपको सिर्फ वही चीजें बताना है जो कि इसमें आपको नहीं मिलती, क्योंकि जिन यूट्यूबर्स को मिलता है वो लोग खाली अच्छी चीजें दिखाते हैं, बुरी चीजें नहीं दिखाते। तो मेरा काम है आपको बताना, अगर देखना है तो जरूर देखिए, पसंद आए कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आए डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है। चलते थे वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो अगर मुझसे चैट करना है पर्सनली, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पे आके मुझसे पूछ सकते हो दोस्तों, मैं सबको जवाब देता हूँ, आपको भी दे दूंगा। सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं, तो 11,500 रुपए में एक वेरिएंट आया हुआ है 4GB 64GB। अगर आप 500 रुपए और देते हो तो रेडमी नोट 9 आ जाता है, जो इससे कहीं ज्यादा बेटर है। एंड 4GB 128GB के साथ Narzo 10 भी पड़ा हुआ है 12,000 पे, तो उसकी तरफ भी देख सकते हो, ऑलमोस्ट सेम फोन है, ज्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है। इवन Narzo 10 मुझे ज्यादा बेटर लगा इससे, अगर आप देखोगे तो थोड़ा डिजाइन अच्छा है, इसे लोगों का ध्यान जाता है, बाकी और सारी चीजें आप देखोगे तो उतना ज्यादा आपको नहीं जमेंगी दोस्तों। सबसे पहले डिस्प्ले और डिजाइन से कहते हैं, तो इसमें 6.95 आप कह लो 7 इंच का बड़ा डिस्प्ले है, बड़ा डिस्प्ले HD+ का है। अब HD+ का डिस्प्ले वो भी बड़ा होना, इससे क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा पिक्सलेशन होता है। अगर आप देखते हो स्क्रीन तो आपको उसमें पिक्सल्स बहुत ज्यादा दिखाई देंगे, मतलब पता चलेगा कि HD+ का डिस्प्ले है। पंच होल दिया है वो प्रॉब्लम नहीं है, 90% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, रियर साइड पे प्लास्टिक दिया हुआ है। अब इस प्राइस में ग्लास एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी सारे लोग भी प्लास्टिक ही देते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बहुत हैवी है, 205 ग्राम का है, एंड नॉर्मल हैंड्स के लिए भी बहुत बड़ा लगेगा। तो आपको टैब अगर लेना है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज अगर आपको एवरेज हैंड है अगर आपके, तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा स्मार्टफोन। तो डिस्प्ले डिजाइन में दो प्रॉब्लम्स मुझे लगे, एक तो बहुत बड़ा है तो नॉर्मली सबके लिए नहीं होगा, एंड दूसरा डिस्प्ले में थोड़ा सा पिक्सलेशन आता है, जो कि मेरे हिसाब से उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है दोस्तों। अब आते हैं चिपसेट की तरफ, मीडिया टेक हिलियो G70 का चिपसेट दिया, 1,80,000 के आसपास स्कोर दे देगा, 90,000 के आसपास गेमिंग सब कर लोगे। लेकिन G80 आपको 10,000 में देता है रेडमी 9 प्राइम, ये 11,500 रुपए में आपको G70 दे रहे हैं, 12,000 में आपको G85 मिल जाता है। इवन सेल में अगर देखोगे, जो सेल आने वाला है 18 तारीख से, उसमें आपको Realme 6 है G90T आपको अगर कार्ड से लेते हो तो 12,000 रुपये मिल जाएगा। तो 11,500 में G70 कौन ले जाएगा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा G70 यार 8,000-9,000 में आ रहा है। अगर आप देखो Realme C3 तो वहाँ पे मिल रहा है, तो परफॉर्मेंस भी मुझे ठीक, ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत खराब है, सारे कुछ गेम्स खेल लोगे, अच्छे खासे कर लोगे, सारी चीज़ें कर लोगे, इशू नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए 11,500-12,000 देना G70 के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा है। डॉल्फिन उनका OS है वही है XOS 6, थोड़े ब्लूटवेयर ज्यादा हैं, एड्स आते हैं याद रखना, बहुत एड्स हैं इसके अंदर, तो ये भी याद रखना ब्लूटवेयर के साथ साथ। तो दो चीजें इसमें हैं कि परफॉर्मेंस के हिसाब से प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, एंड दूसरी चीज आपको एडवर्टाइजमेंट इसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। अब आते हैं कैमरा की तरफ, तो रियर साइड पे 48+2+2 और प्लस एक AI सेंसर मिलेगा, तो इसमें आपको 11,500 ले रहे हैं, आपको अल्ट्रा वाइड नहीं दिया है, 10,000 की प्राइस में अल्ट्रा वाइड आता है, बहुत सारे स्मार्टफोन है जो 9,000 की प्राइस में अल्ट्रा वाइड देते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। आपको उसके साथ लास्ट वाला AI सेंसर दिया, जो कि ऐसे ही नॉर्मल सा सेंसर है, कुछ उसका काम उतना खास नहीं है। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल का है, वो ठीक है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। कैमराज के जो रिसेंट मैंने इसके एग्जाम्पल्स देखे हैं, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया है कि कैमरा की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट पिक्चर्स आते हैं एंड पिक्चर्स में नॉइज बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको नंबर्स पे अच्छा दिख जाएगा, लेकिन आपको 12,000 में इससे अच्छे फोटोग्राफ वाले आप नंबर्स पे मत जाइए, 48 मेगापिक्सल है तो बहुत अच्छा होगा, अच्छे ऑप्टिमाइज्ड कैमराज आपको इससे अच्छे मिल जाएंगे। मैं तो रेडमी नोट 9 को ही बोलूंगा, उसके कैमराज बहुत अच्छे हैं एज कम्पेयर टू, अगर 500 रुपये ज़्यादा दे दो इससे कहीं ज़्यादा अच्छे कैमराज आपको मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से कैमराज
एवरेज कहूंगा, बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं कहूंगा दोस्तों। अब आते हैं बैटरी की तरफ। बैटरी की तरफ कोई इशू नहीं है, आपको 5000 एमएच की बैटरी मिलती है, 18 वाट का चार्जर है, वही एक्सपेक्ट करते हैं, इससे ज्यादा नहीं। यूएसबी 2.0 का पोर्ट है, टाइप सी तो अच्छा होता था, लेकिन एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, चलो कोई बात नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी डिपार्टमेंट मैं कहूंगा ठीक है, 5000 एमएच की बैटरी, 18 वाट का चार्जर और यूएसबी 2.0 का पोर्ट, तो हर चीज के लिए नहीं चिल्लाना है, एटलीस्ट ये ना लगे कि मैं एक साइड बायस हूं तो हर चीज के लिए उसको चिल्ला रहा हूं। बैटरी डिसेंट दी गई है, बैटरी में कोई इशू नहीं है दोस्तों। सेंसर्स की बात करते हैं, मुझे अच्छा लगा थोड़ा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है इस प्राइस में। नॉर्मली 12000 की प्राइस में कोई स्मार्टफोन साइड माउंटेड नहीं दे रहा है फिलहाल अभी, अंडर 12000, अगर कोई दे रहा तो जरूर बताइए, मुझे याद नहीं आ रहा है। उसके साथ फेस अनलॉक भी है, वाइड वाइन L3 है, तो अगर आप नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम देखते हो तो सपोर्ट नहीं करेगा HD कंटेंट, ये याद रखना। तो यहाँ पे वाइड वाइन L3 दिया हुआ है, उसके अलावा बाकी सारे सेंसर्स हैं, आपको सब मिल जाएंगे। कैमरा 2 MP का सपोर्ट है, 3.5 mm जैक है, एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, वो सारे मिल जाएंगे। तो जितने बाकी सारे होते हैं वो सारे मिल जाएंगे। सेंसर्स में एक इशू है कि इसमें वाइड वाइन L3 आता है, जबकि Redmi 9 Prime 10000 रुपए में आपको वाइड वाइन L1 देता है। स्लॉट की बात करते हैं, डेडिकेट स्लॉट है, 2 सिम कार्ड के साथ HD कार्ड लगा सकते हो, यानी अच्छी चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। LPDDR4X का RAM है, eMMC का स्टोरेज है एंड 4GB 64GB है, 11500 प्राइस है। देखना चाहते हो देख सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा ओवरऑल अगर स्पेसिफिकेशन देखो तो इसकी प्राइस मेरे हिसाब से 10000 के आसपास होनी चाहिए थी। 10.5 तक ले आते तो मैं कहता ठीक है, लेकिन 11500 ओवर प्राइस है, लिटरली ओवर प्राइस है, इतना प्राइस नहीं रखना चाहिए था। बाकी आप अपनी तरफ से देख लो, अगर आपको जनता इसका वेट कर रहे तो आप देख सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, कौन सा प्रॉब्लम आपको ज्यादा लग रहा है कि हिट करेगा। मेरे हिसाब से अगर आपके पास 12000 रुपए हैं तो Redmi Note 9 के लिए चले जाइए, 10000 रुपए हैं और बढ़ाना चाहते हो तो Redmi 9 Prime के लिए चले जाइए, या बहुत ज्यादा अच्छा सेल में मैंने कहा ना Poco M2 Pro जो है वो 14000 का है, सेल में 1000 का डिस्काउंट करोगे, अगर आपके पास SBI क्रेडिट कार्ड है तो 13000 तक मिल जाएगा। 12000 में आपको Realme 6i मिल जाएगा अगर कार्ड लगाओगे तो ये सब भी आ रहे हैं सेल में ऑफर्स में, तो उनकी तरफ भी देख सकते हो, वो अच्छे हैं, इससे तो कहीं ज्यादा अच्छे हैं मैं कहूंगा स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, तो देखना चाहते हैं उनकी तरफ देख सकते हो, वो अच्छे स्मार्टफोन से। मैं कहूंगा इसमें थोड़े प्रॉब्लम्स हैं जो आपको कॉज कर सकते हैं इश्यूज, चिपसेट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, G70 12000 में मैं कहूंगा थोड़ा ज्यादा है। मैं मालूम है कि P22 से आगे आए हैं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन फिर वही काम किया है कि अब प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस उतना नहीं दे रहे हैं, तो वही बात हो गई। चलिए कोई बात नहीं, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, पसंद आया कमेंट शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर दीजिए, मुझे बताया कि पसंद आया, और भी बहुत सारे वीडियोस होने चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट करने खास नहीं करना, साइड में देखो व्यक्ति में जो क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हाँ इंस्टाग्राम पे आ जाओ, चैट करना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, बातें करनी है, आ जाओ इंस्टाग्राम पे, मैं सबको आंसर देता हूँ, आपको भी दे दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में कुछ ना करने, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।